हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप एक क्लास टेंथ के स्टूडेंट और आप लोगों का एग्जामिनेशन है संस्कृत का, तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले आप अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करके इससे जुड़िए, और साथ ही अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोग को सारा ओरिजिनल पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, और यहाँ से आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोग को मात्र 50 के आंसर करना है। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है, सदा किम वदेत, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सत्यम। अगला है, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेद व्यास। अगला है, अलस कथा पाठ कुतः संकलित, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुष परीक्षात। अगला है, नगरस्य पालिका देवी की आस्ती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटन देवी। अगला है, महती महियान कह, तो ये हो जाएगा इसका आप लोग का आंसर अभी हमारे पास नहीं है। अगला है, उपनिषद रचनाकार कह, तो वेद व्यास। अगला है, भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला हम लोग देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कति गुरु आस्ती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दसम। अगला है, पाटलिपुत्रम वर्तमान समय का नाम है प्रसिद्धिया, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना। अगला है, कारुणिक मंत्री का अस्ति, तो वीरेश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कस्य नामांतर पुष्पुर कुसुमपुर व प्रियते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र का नाम नाम रूप चय बिहाया समुद्रे असत गच्छति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नद्या। अगला है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकृचित संति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंच। अगला है, अनो अनियान कह, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमात्मा। अगला यहाँ पर है, कौमुदी महोत्सव कदा अवसरे दृश्यते, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गा पूजा अवसरे। अगला है, अलस कथा कथाकार कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यापति। अगला यहाँ पर है, अलस कथा कथाया कस्य महत्वम वर्णियत आस्ति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलसान माम। अगला है यहाँ पर है, याज्ञवल्क्य के पति पत्नी केन रूपेण वर्णिति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दार्शनिक। अगला है, अलस कथा पाठे कस्य दोषान निवारण है शिक्षा ददाती, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानवस्य। अगला है, संस्कृत साहित्य लेखिकाए पाठा कस्य महत्व प्रतिपादित, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महिलाया। अगला है, गंगा देवी की महाकाव्यम अर्चियते, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुरा विजयम। अगला है, क आत्मतत्व शिक्षति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि याज्ञवल्क्य। अगला है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुसुमपुर। अगला यहाँ पर, पाटलिपुत्रस्य कस्यान दिशि गंगा नदी प्रवाहिती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिणस्य। अगला है, अलस कथा कस्मात ग्रंथाय उद्यतित, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरुष परीक्षात। अगला है, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम आस्ति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीखम टोला। अगला यहाँ पर है, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह, तो इसके आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि ही। अगला है, भारतस्य सभ्यता की प्रसन्नता भवती, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनतव। अगला है, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतस्य। अगला यहाँ पर है, के गीत गाने गायती, तो हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देवाया। अगला यहाँ पर, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। अगला, निम्न में से ओष्ठ के उच्चारण से होने वाला शब्द कौन सा है, तो ब हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इत्यादि का संधि विच्छेद, तो इति जो राधि यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भानुदय का संधि क्या हो जाएगा, तो भानुदय हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, अ जोर ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ए बन जाएगा। अगला है, अनु उपसर्ग के योग से कौन सा बनेगा, तो अनुभव। अगला है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो परि यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर है, गजह मंद मंद गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गजह। अगला है, ईश्वर बिना सुख न आस्ति वाक्य में अव्यय क्या है, तो सुख। अगला है, बालकाय मिष्ठान रोचते वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहार्थे तृतीया। अगला यहाँ पर है, बालकाय मोदक रोचते इस वाक्य में बालकाय की कौन सी विभक्ति हुई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चतुर्थे। अगला यहाँ पर है, काल का मार्ग वाचक शब्द निम्न में से
कौन सी विभक्ति होती है, तो इसके आंसर अभी नहीं मेरे पास। अगला यहाँ पर है गौरी शंकर कौन सा समास है, तो गौरी शंकर द्वंद होता है। अगला यहाँ पर है शिवार्पण का समास विग्रह, तो शिव अर्पण। अगला यहाँ पर है माता पितरों कौन सा समास है, तो यह द्वंद हो जाएगा। अगला है पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तृतीया। अगला भवता में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वितीया। अगला भविष्याम लिट किस लकार का रूप है, तो लिरिट लकार का। अगला यहाँ पर है पा धातु लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पायस्थि। अगला है पठ जोर सत्री का योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठी तुम। अगला हम लोग देखेंगे तो सेब जोर सानच के मेल से क्या बनता है, तो यह सेब का बनता है। देवह में कौन सा प्रत्यय है, तो मातृप। अगला है मधुर जोर सयज्ञ में कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी माधुर्यम। अगला है इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगी, तो इंद्रा। गोपी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीप। अगला है संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13। अगला है महर्षि में किन किन वर्णों की संधि होती है, तो आज और री की। अगला है यहाँ पर है प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र। अगला यहाँ पर है लताया किस विभक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुर्थी। अब यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसका आंसर आप लोग को आगे मिलेगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सब देखते चलिए, सारा का आंसर आप लोग को आगे मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का खाली नहीं रहने वाला है। तो आप लोग इसको आगे की तरफ चलिए, चलते रहिए और आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ तक आप लोग का आकर के सारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। आप लोग को इन सारे आंसर को लिख लेना है या फिर आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप अगर जुड़िएगा तो वहीं पे मैं सारा का सारा ओरिजिनल पेपर डाल देता हूँ, जिसके बाद आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन डाला हुआ है। अगला यहाँ पर 3 का क का ये आंसर है, आप लोग को यहाँ पर पूरा यहाँ पर है सारा का सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। 3 का ख है, 3 का ख का आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आप लोग को इसी तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो 3 का ग का आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को लिख लेना है। 3 के यहाँ पे घ का आंसर है, ये आप लोग को इसी तरह से लिख लेना है। और ये है 3 के च का, तो ये आप लोग को इधर आंसर हो गया। उसके बाद है 3 के ठ का, तो इसका आप लोग का आंसर हो गया। उसके बाद है यहाँ पर है 3 के ड का, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर है ये आपका 4 का ख है, तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से आप लोग का जो है बनाने वाला है ट्रांसलेशन, तो राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए थे, तो इसका आंसर आप लोग का हो गया। उसके बाद यहाँ पर है प्रियांशु शहर से घी लाता है, तो इसका आप लोग का ये आंसर हो गया। अगला यहाँ पर है जल में मगरमच्छ रहता है, तो इसका आप लोग का ये हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा तो अगला यहाँ पर है पटकर घूमने चला जाता है, तो इसका आप लोग का ये हो गया। उसके बाद आगे चलिएगा तो ये आपका है भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो उसका आंसर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का है 4 भाइयों में राम सबसे बड़ा है, तो उसका आप लोग का आंसर यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप लोग का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।